हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग आर ब्लॉग। सो भाई, आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश हो रखी है और थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। बट अभी देखो, मौसम इतना अच्छा हो चुका है बहुत ज़्यादा। और भाई, जैसे ही कल प्लान बनाया वृंदावन जाने का तो बारिश स्टार्ट हो गई, आज प्लान बनाया तो स्टार्ट हो गई। कल है राधाष्टमी, तो सब लोग राधाष्टमी धूम। कल है राधाष्टमी तो भाई कल राधाष्टमी मनाएंगे। बहुत से लोग तो मतलब उस दिन बिल्कुल उसे जन्माष्टमी जैसे मनाते हैं। और देखते हैं कल कैसे हम राधाष्टमी मनाएंगे, राधा रानी का जन्मदिन। कल राधा रानी का बर्थडे है, तो भाई कान्हा जी का बर्थडे अगर इतनी धूमधाम से मनता है तो राधा रानी का बर्थडे भी धूमधाम से मनाना चाहिए। तो और एक मिस्टर राणा फोन में लगे हुए हैं। और कुछ काम नहीं है आपके पास है फोन के अलावा? रिपीट पे रखिए, बात करने का नहीं है क्या? आज आप हमसे बोलेंगे भी नहीं क्या? हेलो, क्या हो गया है आपको? है फिर बोल काहे ना रहे हो? ये फोन, ये मिस्टर राणा से। तो भाई, आज जो मॉर्निंग में मैंने सब्जी बनाई वो हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आई, सिर्फ मुझे पसंद आई क्योंकि वो मेरी फेवरेट थी, लेकिन मैं नाम नहीं बता। तो भाई, अब इन लोगों के लिए मैं बनाऊंगी दाल चावल। मैंने तो पेट भर के आज खाना खाया, पेट इन द सेंस जितनी भूख थी उससे भी ज्यादा खाना खाया। दाल बना लेते हैं, मस्ती ज्यादा है मुझे। अभी घूमना है दाल राइस। वैसे दाल मखनी होती तो उसकी रेसिपी दिखाती तो चलो बात भी बनती, लेकिन नॉर्मल दाल की रेसिपी दिखाने में क्या है भाई, नमक हल्दी डाल के सीटी लगानी है। जैसा तड़का आपको चाहिए वैसा तड़का लगा लो। अब मैं प्याज नहीं खाती, लहसुन नहीं खाती, तो मैं सिर्फ टमाटर का तड़का लगाती हूँ। मैं जीरा और हींग का तड़का लगाती हूँ, हींग जीरे वाली दाल बनाती हूँ। कौन उसमें प्याज व्याज कुछ नहीं होती, ना प्याज होती है ना समोसा कुछ नहीं होता। को भी पता है कि दाल बनाने में कुछ एफर्ट्स नहीं लगते हैं, सिर्फ उसे भिगो के धो के कुकर में रख देना है, बाकी तड़का लगाना है। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो सभी सब्जियों में सिर्फ तड़का ही लगाना होता है, बाकी और कुछ मंत्र वंत्र नहीं पढ़ने होते हैं। बहुत ईजी सा काम होता है मेरे लिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए स्पेशली खाना बनाना बहुत आसान है भाई, मैं दिन में 2 बार 3 बार भी खाना बना सकती हूँ अगर बस टाइम हो तो, और टाइम नहीं हो तो अभी मैं राइस ले लेती हूँ। और राइस मैं आपको बता दूँ भाई, मुझे नापातोली करनी आती नहीं, क्योंकि आइडिया इतना हो चुका है कि मुझे पता होता है कितना डालू इतना, मतलब हाथ से आइडिया हो जाता है जब तक हम बनाते हैं। लेकिन कुकर में सिंपल तरीके से रख देंगे। बच्चों को राइस ज्यादा पसंद होता है, रोटियां बहुत कम, रोटी तो खाने को दो ही मत, और हम रोटी अच्छी लगती है बच्चों को, रोटियां मत दो बस। उसने बिना रोटी के कुछ भी बनाओ, चटपट चटपट बनाते रहो बस। कल राधाष्टमी तो बहुत से लोग तो फास्ट रखेंगे और बहुत से लोग सेलिब्रेट करेंगे, फास्ट रखने वाले भी सेलिब्रेट करेंगे। बट जैसा कि अगर हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे
तो मुझे पता चला कि इस कोन में सुबह से लेकर शाम तक पूजा है, 4 बजे आज भी है पूजा, 7 बजे है ना इवनिंग में, लेकिन अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो कोई नहीं, हम कल जाएंगे, चाहे हम इस्कॉन जाएं, चाहे हम कहीं भी जाएं, लेकिन हम जाएंगे जरूर, किसी भी मंदिर जाएं लेकिन ज़रूर जाएंगे। कल राधा अष्टमी है और कल हमारी राधा रानी का भी बर्थडे है, क्योंकि हम भी अपनी जो राधा रानी है अष्टमी वाले दिन ही लेके आए थे, तो कल हम अपनी राधा रानी का बर्थडे भी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, कुछ अच्छा सा बनाएंगे और अच्छा सा खाएंगे, बिकॉज मैं फास्ट नहीं रखती हूँ राधा रानी के बर्थडे वाले दिन का, तो कुछ अच्छा सा बनाएंगे मॉर्निंग में, सुबह से सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे कल लगने वाली सीटी, जब तक तैयार होते हैं। तो जब तक बनते हैं हमारे दाल चावल, तो जब तक मैं इस वीडियो को एडिट करके पोस्ट कर देती हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को मैं देखते देखते दाल चावल खा लूँगी और मुझे पता चल जाएगा कैसा टेस्ट है, बनाई तो मैंने खैर इसका नॉर्मल टेस्ट होता है, नॉर्मली सभी के घर में एक जैसे दाल चावल बनते हैं तो सबके घर में टेस्टी बनते हैं, और मैं बनाती हूँ तो टेस्टी ही बनते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, और कल राधा अष्टमी के लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सब राधा अष्टमी अच्छे से मनाएं।